नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। इन दिनों पटना में राजनेताओं की भीड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति टिकट लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जितने दिन का उनका राजनीतिक जीवन है, बायोडाटा तैयार करके टिकट के लिए चुनाव कार्यालय में यानी पार्टी कार्यालय में जमा कर रहे हैं। वहीं पटना में राबड़ी आवास और राजद कार्यालय में लंबी लाइन लगी हुई है, मगर भाजपा और जदयू के कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है। राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी से मिलने के लिए सैकड़ों लोग खड़े देखे जाते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए भी सैकड़ों कार्यकर्ता दिन भर मिलते रहते हैं और बायोडाटा सबमिट करते हैं। चूंकि बिहार में इन दिनों चुनाव की चर्चा तेज हो गई है, चुनाव होनी है, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, झुकाव बढ़ा है, लोगों के विचार में तब्दीली आई है, जिसके कारण राजद के जितने भी नेता हैं टिकट के लिए अपने अपने क्षेत्र और अपने चरित्र का बायोडाटा लेकर कार्यालय में और राबड़ी आवास पर घूमते हैं जमा करने के लिए, और राबड़ी आवास के सामने काफ़ी लंबी भीड़ लगी रहती है। चुनाव लड़ना है, सेवा किए हैं, राजनीति किए हैं, यह बायोडाटा में डाला जाता है, और बायोडाटा जमा करने वाले की दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। वक्त रहते चुनाव होने की खबर मिलते ही नेताओं में उमंग आ गई। हर जिले से, हर विधानसभा से अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं, और एक एक विधानसभा में आधा दर्जन से कम उम्मीदवार नजर नहीं आते। क्षेत्र के लोगों से लगाव और झुकाव की बात करते हैं और टिकट की भी मांग करते हैं। क्या उम्मीदवार को उम्मीद है जीतने की? टिकट के दावेदारी करने वाले लोग यह कहते हैं कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनना तय है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।